आधार को सिक्योर करने के लिए UIDAI ने कई फीचर दिए हैं। इन्हीं में से एक है आधार को लॉक करने का फीचर। इस फीचर से आप अपने UID को लॉक कर सकते हैं, जिससे इस UID को ऑथेंटिकेशन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। UID लॉक करने के बाद आप इन ऑथेंटिकेशन कार्यों को अपने वर्चुअल ID या VID के द्वारा कर पाएंगे। ये फीचर आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बढ़ाता है। इस प्रोसेस को करने से पहले आप एक VID जरूर बना लें। आधार को लॉक करने के लिए UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, जो कि है uidai.gov.in। इसके बाद आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस पर क्लिक करें, जो आपको माय आधार मेन्यू में आधार सर्विसेज के नीचे मिलेगा। इसके बाद लॉक UID को सिलेक्ट करें और अपना आधार नंबर और नाम एंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करें और सेंड OTP या TOTP पे क्लिक करें। TOTP आप एम आधार ऐप से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद OTP एंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। इससे आपका UID लॉक हो जाएगा। UID वापस से अनलॉक करने के लिए वही स्टेप्स को फॉलो करें, स्टेप 2 तक, और उसके बाद अनलॉक UID को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना VID और कैप्चा कोड एंटर करें और सेंड OTP या इंटर TOTP पे क्लिक करें। इसके बाद OTP एंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। इससे आपका UID अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से आप अपना आधार लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। धन्यवाद।